गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी के टाइम में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसमें अपने हाथों को अच्छे से साफ रखना है, क्लीन रखना है, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग हेल्थी रहो। ओके, अब चलो हम कुछ पढ़ाई की बातें कर लें। चलो तो हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम लोग को अभी कैपिटल लेटर देन स्मॉल लेटर, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में ए, ए कैसे लिखेंगे? पहले इधर से एक लकीर पार लेंगे, फिर यहां से एक लकीर पारेंगे और फिर इस लकीर को इसमें ऐड कर देंगे। ओके, चलो फिर से यहां से इधर लकीर पारे, फिर दूसरा इधर लकीर पारे और बीच वाले को ऐड कर दिए, ठीक है। चलो आप लोग ऐसे लिख लोगे, नहीं तो चलो फिर तीसरी बार इधर से लकीर पारो, फिर लकीर पारो और बीच में ऐड कर लो। ये हो गया आपको कैपिटल लेटर का ए, ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब हम लेते हैं स्मॉल लेटर का ए, स्मॉल लेटर का ए। तो स्मॉल लेटर के ए कैसे लिखेंगे? तो इसको अंडे के आकार का राउंड दे देंगे और फिर इसमें यू कर देंगे, अंडे का आकार का राउंड। आप लोग अंडे खाते हो ना, वैसे ही अंडे के आकार का राउंड करके ऐसे हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कैपिटल लेटर का ए और स्मॉल लेटर का ए, ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब हम लेते हैं कैपिटल लेटर का बी, कैपिटल लेटर बी, बी फॉर बॉल। ये लकीर पार लेंगे, फिर इसको राउंड लेंगे, वन एंड टू, ठीक है। पहले लकीर पारे और फिर इस पे राउंड लिए, वन एंड टू, ठीक है। लकीर, फिर वन एंड टू राउंड, क्या हुआ? बी फॉर बॉल। ये हुआ कैपिटल लेटर का बी फॉर बॉल। अब हम लेते हैं स्मॉल लेटर का बी, स्मॉल लेटर का बी। चलो ये कैसे होगा, कैसे लिखेंगे? तो इसका भी ऐसी लकीर सीधा पार लिए और इसमें एक ही राउंड नीचे की ओर, ठीक है। इसका ये लकीर पार लिए और फिर एक ही राउंड मारेंगे, इसका दो राउंड नहीं होगा, स्मॉल लेटर में एक ही राउंड होगा, ठीक है। लकीर और एक राउंड। अब क्या हुआ, ये हो गया बी कैपिटल लेटर, ये बी स्मॉल लेटर। चलो आप लोग को ये समझ में आ गया सभी को? चलो अब इसको हम मिटा देते हैं। हम क्या सीखे अभी? बी फॉर बॉल, ठीक है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। अब देखो, अब क्या तीसरा क्या है? ए फॉर एप्पल हो गया, बी फॉर बॉल हो गया, अब होगा सी फॉर कैट, ठीक है। सी फॉर कैट, कैट आप लोग देखे हो ना, कैट मीन्स बिल्ली, एप्पल मीन्स सेव, बैट मीन्स बल्ला और कैट मीन्स बिल्ली, ठीक है। तो कैपिटल लेटर का हम लोग लेते हैं सी, तो सी कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, देखो ये ऐसे करके हल्के से राउंड लेना है, ठीक है। सी को कैसे करना है? ऐसे लाना है और यू, ठीक है। आप लोग स्लेट पे लिख लेना और लिख के उस पे बार 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 ऐसे राउंड करना, ओके। ये क्या हुआ कैपिटल लेटर का सी, सी फॉर कैट। और हो गया स्मॉल लेटर, तो कुछ नहीं करना है इसका, स्मॉल लेटर बहुत सिंपल है, जैसे ये बड़ा है तो ये छोटा होगा स्मॉल लेटर, तो जैसे ये है तो इसका छोटा पार्ट ये हो गया सी फॉर कैट। तो अगर आप लोग को ये बड़ा वाला सी अगर कैपिटल लेटर आ गया तो स्मॉल लेटर भी आ गया, ठीक है, सी फॉर कैट, ओके, हो जाएगा।
इवनिंग में स्लेट पे आप लोग ऐसे रिपीट करोगे बार बार, ठीक है। चल हम लोग क्या सीखे अभी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट। चलो अब हम लेते हैं डी फॉर डॉग, कैपिटल लेटर का डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग, डॉग आपके पास होते हैं ना, डॉग कुत्ता देखा है ना तुम लोग, सबके घर के आसपास कुत्ते नजर आते हैं, तो डी फॉर डॉग कैसे होगा, तो इसको सी के अपोजिट, जैसे सी इधर से लिए तो डी को हम ऐसे राउंड लेंगे, ठीक है, और उसमें एक और लकीर इसको यहां ऐड करेंगे। ओके तुम लोग समझ लिए बेटा, ये डी ऐसे सी के अपोजिट इधर कर दिए और इस लाइन को फिर इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। ये क्या हुआ, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग कैपिटल लेटर का डी। अब हम स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर का डी कैसे होगा, तो स्मॉल लेटर का डी और सिंपल है, इसको बस कुछ नहीं करना है, एक लकीर पार दो, आप लोग को तो लकीर पारना सिंपल है, आप लोग के लिए तो लकीर ऐसे पार सकते हो आराम से, और उसमें बस इधर की ओर राउंड कर दो, ठीक है। किधर करना है बाबू, इधर की ओर राउंड करना है, डी में जैसे इधर हो गए इसका, जैसे सी का अपोजिट डी इधर हो गया तो इसका भी डी का इधर हो जाएगा राउंड इसका। ये हो गया स्मॉल लेटर का डी, ठीक है। अब हो गया डी फॉर डॉग, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, हो गया क्लियर, हो गया आप लोग को, आप लोग जो भी सीख रहे हो सब इवनिंग में सबको स्लेट पे बनाना है आप लोग को, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई भी करना उतना ही जरूरी है। चलो अब हम क्या लेते हैं, ए हो गया, बी फॉर बॉल हो गया, सी फॉर कैट हो गया, डी फॉर डॉग हो गया, ठीक है। तो अब हम लेते हैं कैपिटल लेटर का ई, ई फॉर एलिफेंट होता है, एग होता है, तो ई हम कैसे लिखेंगे, ये भी सिंपल है, देखो ध्यान से देखो आप लोग को आ जाएगा, एक लकीर पार लो, फिर आप इसको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, एक दो तीन, एक लकीर में तीन लकीर बस खींचना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपको, ई, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट आप लोग देखिए ना, एलिफेंट कहाँ रहता है, जंगल में, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स है। चलो ई फॉर एलिफेंट, अब ये तो हुआ कैपिटल लेटर का ई, कैसे हुआ, एक चिन्ह पा लिए, फिर उसके बाद ये तीन इसमें ऐसे छोटे छोटे चिन्ह पा लिए, तो ये हो गया हमको ई फॉर एलिफेंट। अब हम देखेंगे कि स्मॉल लेटर का ई कैसे होगा भाई, तो स्मॉल लेटर का सिंपल है, कैसे सिंपल है बताते हैं, आप लोग को सी सिखाए थे ना हम, सी लिखना स्मॉल लेटर का, तो बस स्मॉल लेटर का आप सी लिखो और उसको यहां थोड़ा सा राउंड मार, ठीक है। क्या करना है, यहां से ऐसे स्मॉल लेटर का सी और यहां से राउंड, हो गया आप लोग का ही, ये क्या हुआ कैपिटल लेटर और ये हुआ स्मॉल लेटर, तो ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एक भी होता है, ठीक है। चलो आप लोग को आ जाएगा अच्छे से, देखो अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो सारे वर्ड सिंपल है, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, स्लेट पे बार बार राउंड करना है, ठीक है, स्लेट पे एक वर्ड लिखो बार बार उसको राउंड करो, आ जाएगा आपको। चलो तो हम लोग सीख लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग और ई फॉर एलिफेंट। अब क्या है एफ, ठीक ना, ए बी सी डी ई एफ, तो एफ फॉर क्या होता है, फिश, एफ फॉर फिश। चलो एफ लिख,
लिखते हैं, एफ का भी वही है, एक लकीर पारो और उसमें बस दो लकीर खींचने हैं। ई में हमने तीन खींचे तो वो ई था, लेकिन अगर एफ लिखना है हमको, एफ फॉर फिश लिखना है तो उसमें टू लकीर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमको एफ फॉर फिश, कैपिटल लेटर का एफ, एफ फॉर फिश। ऐसे लाइन पढ़ो और फिर इसको यू दो लाइन दो, ठीक है। ये क्या हुआ आपको एफ फॉर फिश, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मॉल लेटर, तो स्मॉल लेटर का एफ कैसे होगा, तो ये भी सिंपल है। देखो ऐसे लकीर आप लोग पा लिए, इस पे हल्का सा ऐसे राउंड लगा दो, ठीक है, लकीर पारो, ठीक, फिर हल्का राउंड मार दो और उसमें बीच से ऐसे, ये क्या हुआ एफ बन गया। ये एफ बना तो इसका लकीर सीधा था बड़ा, ऐसे ये कैपिटल लेटर हो गया, कैपिटल लेटर का एफ। और ये हो गया तो इसका कहां से लिए हम, यहां से लिए और यहां राउंड हल्का मारे और फिर बीच से यू, तो हो गया एफ फॉर फिश कैपिटल लेटर, देन एफ फॉर फिश स्मॉल लेटर, ओके। चलो ये आप लोग अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलो तो हम इसको अब मिटाते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आप लोग रिपीट करो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश। हम लोगों ने इतने लेटर जान लिए कि कैसे लिखे जाएंगे इसको। चलो अब क्या है जी, जी फॉर गोट, जी फॉर गोट, ठीक है। चलो गोट क्या खाती है बाबू, गोट घास खाती है, जो भी प्लांट छोटे छोटे होते हैं वो गोट खाती है। चलो गोट मीन्स बकरी, उसके लिए फिर से सी लिखेंगे, सी लिखे, पहले भी हमने सी लिखा है कैपिटल लेटर का, फिर से हमने सी लिखा, ये सी लिख करके ऊपर किया और थोड़ा सा लाइन लिए और यू ऐसे कर दिए। ये हम आपके लिए सिंपल बता रहे हैं क्योंकि इसको लिखने में आपको आसानी होगा, ठीक है। ये यू सी लिखे फिर से और थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जा करके यू किए, तो ये क्या हो गया जी फॉर गोट, क्या हुआ जी फॉर गोट। सी का आकार दो, कैपिटल लेटर का सी, फिर यहां से ऊपर की ओर ले जाओ, फिर यहां करके छोटे छोटे आकर नीचे आओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका जी फॉर गोट। अब थोड़ा सा हल्का सा सबने थोड़ा सा इसमें ये है कि घुमा के इसको लिखना है, हल्का सा इसका राउंड है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी नॉर्मल आसान कर लो। स्मॉल लेटर का जी, उसमें भी कैसे करेंगे, आप पहले छोटा सा राउंड ले लो गोल गोल लड्डू की तरह, ठीक है, उसको उस फिर सटा के ऐसे लाओ और यहां घिस, ठीक है। हुआ, क्या करना है, कुछ नहीं आप लोग के लिए हार्डली कुछ नहीं है, अगर समझ जाओगे तो सब नॉर्मल, गोल राउंड किए ऐसे छोटा सा प्यारा सा, फिर उसके बाद यहां लाए और यू मार दिए, ठीक है, समझ गए। बार बार आप लोग स्लेट पे लिखोगे आप लोग को आ जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना इसका। ये हुआ कैपिटल लेटर का जी फॉर गोट और स्मॉल लेटर का जी फॉर गोट, ओके। चलो हम इसको मिटाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश एंड जी फॉर गोट, ठीक है। हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ लिया, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एच, ठीक है। तो ये है हमारा कैपिटल लेटर का एच, तो एच कैसे लिखेंगे, एकदम सिंपल है, दो लकीर पार करो सीधा सीधा और इसको इसमें ऐड कर लो, हो गया, ठीक है। ये तुमको पता है, तुम लोग को आ जाने वाले हैं बहुत आसानी से,
ये एक लकीर पारे हम, ये दूसरा पारे और बीच वाले को एड किए, ठीक है। ये हुआ H4 हैन, हॉर्स भी होता है हैन भी होता है, तो ये H हुआ कैपिटल लेटर का H हुआ। अब है स्मॉल लेटर का H, ठीक है, स्मॉल लेटर का H। तो देखो स्मॉल लेटर का H भी सिंपल है, लकीर पार लिए और यहां से उसके ठीक जो भी लकीर है उसके बीच से यहाँ एक बूंदा दिए और यहाँ बूंद से ऐसे कर दिए। तो ये हम आप लोग के लिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को ये सिंपल लगे, हार्ड ना लगे, ठीक है। ये यहाँ पे एक लकीर खींच दिए और यहां से ऐसे करके यहाँ यू कर दिए, तो ये क्या हो गया आपको स्मॉल लेटर का एच हो गया, कैपिटल लेटर का एच हुआ और स्मॉल लेटर का एच हो गया, ठीक है। तो हम बताओ अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एफ फॉर एप्पल कैपिटल लेटर देन स्मॉल लेटर, बी फॉर बॉल कैपिटल लेटर देन स्मॉल लेटर, सी फॉर कैट कैपिटल लेटर देन स्मॉल लेटर, डी फॉर डॉग कैपिटल लेटर देन स्मॉल लेटर, ठीक है, ई फॉर एलिफेंट कैपिटल लेटर देन स्मॉल लेटर, एफ फॉर फिश कैपिटल लेटर देन स्मॉल लेटर, G for goat capital letter then small letter, और H for hen capital letter then small letter। अब चलो हम लोग कुछ oral कर लेते हैं। A for apple, A for ant, A A A A A A, B for bat, B for ball, B B B B B B, B, B. C for cat, C for cup, k k k k k k, D for dog, D for dots, d d d d d d, E for egg and E for elephant, e e e e e e, F for frog, F for fish, f f f f f f, G for goat and G for grass, g g g g g g, H for hand, H for hat, h h h h h h। आप लोगों ने ओरल कर लिया जो हमने आप लोगों को गुनगुनाने के लिए कहा था। चलिए अब आज का होमवर्क क्या होगा, ठीक है। आज का आप लोग का होमवर्क है, हमने आपको सिखाया कैपिटल लेटर ए और स्मॉल लेटर ए, कैपिटल लेटर बी और स्मॉल लेटर बी, कैपिटल लेटर सी देन स्मॉल लेटर सी, कैपिटल लेटर डी स्मॉल लेटर डी, कैपिटल लेटर ई स्मॉल लेटर ई, कैपिटल लेटर एफ स्मॉल लेटर एफ, कैपिटल लेटर जी स्मॉल लेटर जी एंड कैपिटल लेटर एच स्मॉल लेटर एच, ठीक है। हम आपको इतना ये सारे वर्ड लिखकर बताए कि ऐसे लिखना है। अब आपको क्या करना है इवनिंग में, इवनिंग मतलब क्या होता है बच्चों, शाम को, ठीक है। शाम को जब हम सब बैठते हैं, सब बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए, उस टाइम आपको बैठना है और अपने अपने स्लेट लेके उस पे बार बार ए लिखो, उस पे बार बार लकीर खींचो बार बार, ठीक है। बी सी डी ई एफ जी एच सब लिखो, कैपिटल भी और स्मॉल भी, और उसको अच्छे से लिख के प्रिपेयर करो, याद करो और बोल बोल के लिखो, ठीक है। आप लोग को लिखना भी है और बोलना भी है, ठीक है। चलो